तो जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अबे कहाँ पे उड़ रहा है भाई मेरे, ये रहा। तो लोगे लुक जब तेरे गले में, ये भी एक हैक है। तो गाइस एक बार फिर से आज हम टिकटॉक की हैकिंग करने और देखते हैं कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। लोगे मैं तेरे घर में पट्टी डाल रहा हूँ, चल नहीं रही। कमान तेरे गले में मेरे को पट्टी डाल, बिल्ली ओए बिल्ली के गले में मैंने पट्टी डाल दी। यस, उड़ती बिल्ली आपने कभी देखी है गाइस? Yes, बिल्ली हेलीकॉप्टर मैंने बना दिया। ये रैबिट ले बिल्ली अटैक कर ले, come on रैबिट। अरे बड़ी बुखेड़ी बिल्ली यार। लॉगिस ये कौन है, इसका नाम क्यों क्या रखा तूने? डाकू। इसका नाम है डाकू। तो हेलो डाकू भाई, कैसे हो भाई? आपको इस पेनेजर में कुछ अजीब नहीं दिख रहा है? मुझे यही दिख रहा है कि इसका तीर कमान कहाँ पे है। रुको इसको बाहर निकालता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ। वो इसका तीर कमान है ही नहीं। डाकू कैसे हो? डाकू तेरे फ्रेंड अभी हम यहाँ पे स्पॉन करने वाले हैं, और जैसे ही वो स्पॉन हुए ना, तो उसके ऊपर हमला कर दियो, टूट पड़ दियो। मैं तो कह रहा हूँ अपनी बेल्ट उतार के मार। ये रहा बेल्ट उतार के मार इसको। भाग रहा है फिर भी। अबे तू क्या कर, उसको मारता क्यों नहीं है? रुक तेरे को पकड़ के मैं गाँव में लेके जाता हूँ। अरे मुझे तेरे को पकड़ के गाँव में लेके जाना है। अबे डाकू भाई इसको, come on डाकू, तू गाँव में चल प्लीज। हम बिल्कुल भी तेरे को मारने की प्लानिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल भी। तू हमारा दोस्त है, देख तेरे को हमने नाम भी देकर रखा है, डाकू। कॉलम तो कितना शरारती है यार। प्लीज गाइस हम मेरी तरफ मत देख, मैंने कुछ नहीं, मेरे को कैसे देख रहे ऊपर से नीचे। प्लीज गाइस वन लाइक फॉर डाकू प्लीज। अब मेरे को पता है कि उसने डाकू को मार दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लिटरली फांसी दे रहा तू। मेरा दूसरा है गाइस एकदम से सिंपल है। रेगिस्तान में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे लगातार फूल निकलते रहे। तो मुझे यहाँ पे डिस्पेंसर रखना है, और डिस्पेंसर के अंदर मैं डालूंगा बोन मिल, और बोन मिल के ऊपर डालना है मैंने ये क्या कहते हैं ग्रास ब्लॉक। अब मुझे ये टेस्ट, अबे बख्श दे उसको भाई, बख्श दे। ओके तो अब मुझे ये टेस्ट करना है कि अगर मैं इसके साथ रेडस्टोन टॉर्च रखूंगा तो क्या बोन मिल के जरिए इसके ऊपर फ्लावर्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। ये मेरे को खुद टेस्ट करना है। 1 and 2 and 3 आई थिंक बेस्ट तरीका ये होगा कि मैं लिवर ट्राई करूं। चलो एक बार फिर से 1 and 2 and 3। ये दूसरा लिवर कहां से आ गया? यस क्या बात है, इसको तो फिर से ले गया, उसको तो सुपरमैन बना दिया गोलम को। आई थिंक गाइस लॉगी ने बातों में एक और हैक डिस्कवर कर लिया। लॉगी इसको ऊपर लेके जा, बिल्कुल ऊपर। और गाइस हमने नोटिस किया कि फॉल डैमेज नहीं ले रहा, कमाल। एंड कुछ भी नहीं हो रहा इसको यार, ये तो अरे हाँ सर मत हिला, चल निकल यहाँ से। मैं नीचे से हट जाता हूँ कहीं मेरे सर के ऊपर ना गिर जाए। भाई कुछ हुआ ही नहीं इसको। ये ले लॉगी, मेरा प्लानिंग एकदम से कामयाब हो रही है। कम ऑन बीच में पानी डाल दे। अभी गाइस हमें ये देखने कि ये फटेगा या ऊपर आकाश में जाएगा। कम ऑन गोलम, तू कर सकता है। ये मरेगा गोलम भाई, तेरे साथ हम क्या करने वाले हैं? सॉरी ब्रो, लुक मैं बटन दबाता हूं। एंड 1 अरे निकलने की कोशिश कर रहा है इसको। वाह निकलने की कोशिश कर रहा है। शिट बाय बाय गोलम। ये गया कहाँ? गया कहाँ? अरे अभी तक जिंदा है यार, इसको वापस भेजते हैं। गोलम तेरे कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मेरे को बता दे, क्योंकि लॉगी तेरे को फिर से आकाश में भेजने वाले हैं। लेट्स गो। अरे नहीं, भाई इसको भाई कैसे गोली की तरह भाग रहा है यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई अभी तक नहीं मरा यार, लेट्स गो, छोड़ दो इसको। छोड़ दिया ये। अभी हमने गाइस इसको रिपेयर नहीं किया, और एक बार फिर से बटन दबाते हुए गोलम अब की बार ये मरेगा। आई थिंक दिस गाइस डेड। नो मर गया, आसमान ने फटा यार। तो एक बार इधर से गाइस 1 like फॉर अवर गोलम यार। अभी गाइस बारी आती है हमारे शानदार फ्लावर फार्म की। तो ये बटन दबाते ही ना यहाँ पे एकदम से फ्लावर निकल आएंगे। कम ऑन लगी, एंड 1 and 2 दबाना, एंड 3 यस ये काम कर रहा है। मुझे लगा था कि ये काम नहीं करेगा। अभी पूरी फिर से एक्टिवेट करिए, देखते हैं होता क्या। डबल फॉर्म लिख लेंगे। अरे नहीं एक ही बार एक्टिवेट हो रहा है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ओके आई थिंक इतने काफी होंगे। तो इसके नीचे हमें लगाना है डिस्पेंसर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो गाइस आई थिंक हमने ऑटोमेटिक चिकन फार्म यहाँ पे बना लिया। अबे ये बटन कौन चाचा दबाएगा तेरा, चल दबा। तो गाइस आई थिंक हमने ऑटोमेटिक चिकन फार्म बना लिया, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये है हमारी छोटी सी क्लॉक, यहाँ पे चिकन अंडे देंगे, ये अंडे हॉपर के जरिए जाएंगे डिस्पेंसर में, और डिस्पेंसर ये थ्रो करेगा अंडे सामने दीवार के ऊपर, और उन अंडों में से निकलेंगे हमारे फ्रेश चिकन। ये हमारा आइडिया फेल कैसे हो रहा है?
ए अंडे दे भाई। ये पार्ट जो है स्पीड फोर ए अंडे दे। मुझे लग रहा कि हमें यहाँ पर और चिकन चाहिए। कम ऑन चिकन, तुम कर सकते हो भाई, हमें देसी अंडे चाहिए मोटे वाले। मार दे अंडा, एक तो मार दे। कम ऑन, ये कैसे चिकन है? वो एक गया। यस, अरे चल पड़ा। तो लीजिए गाइस, ये है हमारा ऑटोमेटिक चिकन फार्म। नॉइस से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको कुछ चिकन ब्रीड नहीं करना है, आपको लिटरली यहाँ पे आना है और अंडे कलेक्ट करने हैं। और भी आ रहे शिट भाई, और भी आ रहे हैं। कितने अंडे निकल रहे तुम में से? बस 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 बस, बचो और नहीं दिखाना यार, ये खतरनाक वाला है। व्हाट द हेल लॉगी, ये तूने क्या बना कर रखा है यहाँ पे? एकदम क्लेवर। अगर ये साइन तोड़ दो, पानी बाहर आ रहा है यार, एकदम खतरनाक यार इसके ऊपर। अरे तो इसने बनाया कैसे, मुझे समझ भी नहीं आ रही। सबसे पहले यहाँ पे दो फेंस लगाने हैं। ये फिर उसके ऊपर पानी, उसके ऊपर पानी। ये फिर राउंड में साइन लगा, पानी लगा इसके ऊपर, पानी लगा, पानी फेंक दिया लॉगी ने। उसके ऊपर लगाते हैं साइन। अरे ये मेरा काम नहीं कर रहा, अरे काम कर रहा है, मैंने एक साइन गलती से नीचे लगा दिया। तो दिस इज अमेजिंग, मुझे इसके ऊपर लाइक लिखना, लाइक प्लीज। अरे यार ये एकदम खतरनाक लग रहा है यार, ये देखो नाइस। अभी मेरी बारी है। तो गाइस आज मैं आपको माइनक्राफ्ट की एक कॉमन ट्रिक दिखाता हूँ, जो कि ऑब्वियसली आपको पता होगी। तो वो ट्रिक ये है कि अगर मैं एनविल के अंदर ये नेम टैग डालता हूँ, उसके ऊपर लिखता हूँ जैब अंडरस्कोर, और अगर मैं शीप के ऊपर लगाता हूँ तो शीप मतलब आपको कलर चेंज करती हुई दिखाई देगी। तो ये रही शीप, और अगर इसके ऊपर डालू नेम टैग तो लीजिए आपके सामने कलर चेंज हो रहे हैं। एकदम बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक नेम टैग बनाते हो और उसके ऊपर लिखते हो डिनर बोन, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये है गाइस मेरा नेम टैग जिसका नाम है डिनर बोन। अभी देखता हूँ कि क्या होता है। अगर ये नेम टैग आप गांव वालों के ऊपर लगाओगे पटक, तो ये उल्टे हो जाएंगे। गोलम के ऊपर लगाओ तो गोलम भी उल्टे हो जाएंगे। और गाइस लिटरली अगर ये किसी चीज के ऊपर भी लगाओगे तो सारे एकदम से उल्टे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम विदर के ऊपर लगाते हैं तो विदर भी उल्टा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपने जिंदगी में कोई पहला उल्टा विदर देखो। ए चीके मत मार, अभी इसके ऊपर लगाते हैं नेम टैग एंड पुट। तो गाइस अगर आपको विदर मार रहा है तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट होगा, तो क्योंकि ये उड़ भी नहीं पा रहा। इस हैक के लिए ब्रो एटलीस्ट सबने सब्सक्राइब करना है। और क्या कर रहा, टीएनटी फोड़ देगा वो, अभी टीएनटी फोड़ देगा। अबे पहले उल्टा हो चुका है उसकी। अबे सीधा हो जा, सीधे काम कर ले मुझे। अरे पागल, अरे भाग गया यार, यार तूने इसको पागल कर दिया। Come on लॉगी, let's one and two and three। अरे इधर से फोन कर, इधर उल्टा कर दे इसको। ओह शिट, ये गया, ये मरेगा। विलेजर तू भी उल्टा हो जा, पट से उल्टा हो जा विलेजर, तेरा पूरा गांव हमने उल्टा कर दिया है, तू सीधे होके क्या करेगा, तू भी उल्टा हो। Zombie and pinning pinning उल्टे zombies, ये देखो हमने क्या बना कर रखा है यहाँ पर। तुम सारे zombies कहाँ, ये देखो तुम सारे उल्टे हो जा, सारे उल्टे हो जा, सारे उल्टे, सारे उल्टे, उल्टा होके कहाँ जा रहा है? अबे उल्टा zombies मार रहा है यार ये। Ravager and pet उल्टा रैवेंजर। तो चलिए गाइस ये थे हमारी एक और माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।